हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एसीटोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसीटोन के प्रयोगशाला विधि कैसे आप सचित्र वर्णन करते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आ जाता है। इन्हीं चार पांच क्वेश्चन में से बार बार पूछा जाता है। प्रयोगशाला विधियों में से सचित्र वर्णन करना होता है आपको, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और मज़ेदार है। आपको यहीं से सब कुछ याद हो जाएगा। बस एक बार मेरी वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, दोबारा आप वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि आप एक कॉपी पेन लेकर वीडियो को देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स जैसे कि मैं बताऊँगा वही आप नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको दोबारा इसको मेरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए जानते हैं क्या। पहले सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि इसका भार क्या होता है, फिर हम जानेंगे इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, और फिर हम जानेंगे कि इसका IUPAC नेम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो इसका सूत्र होता है वह होता है CH3CO3। क्या होता है दोस्तों? CH3COCH3। अब हम निकालेंगे इसका अर्धभार। तो जब हम अर्धभार निकालेंगे तो कार्बन का आप जानते हैं कि कार्बन का जो होता है वह होता है 12। अर्धभार कार्बन क्या होता है? 12। और इसका होता है 3, तो इधर इसका होता है 1 हाइड्रोजन का, और इसमें लगा है 3, तो इधर लगाएंगे गुणा का साइन और 3 प्लस, इधर हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, क्योंकि इसका 8 होता है अर्धभार, तो इसका अर्धभार कितना हो जाएगा? 16। फिर इसके बाद कार्बन, तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। फिर हाइड्रोजन, तो इसमें 1 होता है हाइड्रोजन का, तो इसमें जो 3 लगा हुआ है इसको मल्टीपल कर देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो 12 और 1 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 12 3 15। इसके बाद इनको इनको आपस में जब ऐड कर लेंगे तो 6 2 8 और 1 1 2, यानी कि 28, और इनको इनको आपस में जोड़ देंगे तो 12 3 15। इसके बाद जब हम इनको जोड़ेंगे तो 15 15 30, और 15 30 और 28 कितना हो जाएगा आपका? 58। तो इसका जो अर्धभार होगा वो कितना निकल के आ गया? 58। इसके बाद अब देख लेते हैं इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। तो संरचनात्मक सूत्र का मतलब होता है जिसमें बॉन्डिंग हो। तो संरचनात्मक सूत्र इसका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CO। तो ये क्या होता है आपका? संरचनात्मक सूत्र। अब जान लेते हैं कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो इसमें देख लेते हैं कितने सी हैं, तो मेथ एथ प्रोप 3 सी हैं, और हम इसमें लगाते हैं नोन। क्या लगाते हैं? नोन। तो ये इसे कह देंगे प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनेन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। इसके बाद चलते हैं इसके प्रयोगशाला विधि के बारे में। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे एसीटोन की प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो प्रयोगशाला में एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और उसमें एसीटोन को भर देते हैं, और फिर जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो एसीटोन हमारा प्राप्त हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लूँगा? कैल्शियम एसीटेट। अब आपको कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इसका जो है प्रयोगशाला में एसीटोन को बना सकते हो। तो इसका जो फार्मूला होता है कैल्शियम एसीटेट का, तो सबसे पहले आप जान लीजिए एसीटेट का जो फार्मूला होता है वह होता है CH3COO। ये क्या का फार्मूला है? एसीटेट का। अब मान लो मैं कह देता हूँ तुमसे सोडियम एसीटेट का, तो आप यहाँ लगा देते Na। अब Na की वैलेंसी एक होती है इसलिए यहाँ होल ट्वाइस नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूँ कैल्शियम एसीटेट। क्या कह रहा हूँ? कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पर हो जाएगा Ca। अब एक कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 संयोजकता, तो यहाँ पर लग जाएगा होल ट्वाइस। क्या लग जाएगा? होल ट्वाइस। लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है इसको, मैं मुझे लिखना है संरचनात्मक के रूप में, क्योंकि ये आसान हो जाए। तो इसको संरचनात्मक के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, और इसके बाद सी, इसके बाद इधर भी लिख सकते हैं CH3, इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं CA। ये वाला जो CA है इसे यहाँ कर देते हैं, बचा हमारे पास क्या? COO। तो इस COO को इधर भी कर देते हैं, और COO है हमारे पास कितने बार? 2 बार। तो यहाँ भी हम कर देते हैं COO। तो हमारा हो गया CH3COO 2 बार है, होल ट्वाइस लगाया, तो इधर भी 2 बार हो गया, इधर CA हो गया। इसके बाद इसके साथ हमें क्या करना है? गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है। जब हम इसे गर्म कर देंगे तो अब हम एसीटोन का हमारा फार्मूला बन जाए। तो एसीटोन का जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है CH3COCH3, इधर से एक ओ लेकर के ये बन जाएगा। तो यहां से मैं क्या बना दूंगा? CH3
और इसको कर दूंगा CO, CH3 इज अ डबल बॉन्ड के साथ CO, और ये हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक सूत्र मैंने अभी अभी आपको बताया इस प्रकार होता है, या फिर आप इस रिएक्शन से ऐसे भी कर सकते हो, यदि किसी की ये वाली रिएक्शन नहीं समझ में आ रही तो डायरेक्ट इधर से गर्म कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ से हमें बनाना है CH3CO CH3। मैंने बताया कि तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि जब आप इसको कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देते हो तो एसीटोन प्राप्त हो जाता है, तो सीधे इधर से क्या करेंगे CO CH3, तो ये आपका बन गया एसीटोन। फिर इसके बाद हमारे पास बचा क्या वो देख लेंगे। तो हमने हमने CH3 दोनों यूज कर लिए, हमने CH3 क्या किए दोनों यूज कर लिए। अब हमारे पास CA और CA बचा, CH3 हमारे दोनों यूज हो गए, एक O यूज हो गया, एक CO यूज हो गया, हमारे पास बचा एक C और 3 O और ये CA, तो ये क्या हो जाएगा CaCO3। तो आप इस रिएक्शन को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर आप इस प्रकार करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन आपके सामने है, इधर भी CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CaCO3। आप देख सकते हैं यहाँ से CA बचा है और ये CO3 बचा है, एक O ये, दो O ये, एक CA और ये CA। इस प्रकार से करना चाहो तो ये रिएक्शन सही है, इस प्रकार से करना चाहो तो ये रिएक्शन सही है। बस आपको याद इतनी सी बात रखना है कि जब आप कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देते हो तो आपका एसीटोन प्राप्त हो जाता है। मैंने बताया कि एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, इधर Na लगा देंगे तो सोडियम एसीटेट, कैल्शियम लगा देंगे तो कैल्शियम एसीटेट, लेकिन इनकी जो संयोजकता होती है इनके अनुसार यहाँ पर होल ट्वाइस होल थ्राइस आता है। अब दोस्तों मैं इसका चित्र बनाकर आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से ये बनता है। तो मैं यहाँ पर चित्र बना लेता और फिर इसके बाद आपसे बात करता हूं। अब इनके मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। तो ये CaCO3 ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये एसीटोन हो गया। आप सबके फार्मूले जानते हैं। अब मैं चित्र बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका चित्र बना लिया है। चित्र थोड़ा बेहतर नहीं है क्योंकि मैंने इसे बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आपको 20 मिनट इस चित्र में दे सकूं और अच्छे से आपका चित्र प्रिपेयर कर सकूं, 10 मिनट दे सकूं। मैंने जल्दी जल्दी आपके समझाने के लिए बना दिया है। तो आपको कॉन्सेप्ट इस चित्र पर देना है कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। आपको थ्योरी एक पेज की जो होगी, 2 पेज की होगी, वो रटना नहीं पड़ेगा, इसी चित्र से लिख देंगे। अब बात यह आती है कि एग्जाम में आप कितना अच्छा बना लेते हो और आप कितने अच्छे नंबर पा लेते हो। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा, ऐसा लॉजिक बताऊंगा कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा और कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो समझिएगा मेरी बात, मैंने यहाँ पे जैसे कोई गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क लिया जाता है, वैसे यहाँ पे रिटार्ट ले लिया है। क्या ले लिया है? रिटार्ट है पूरा मेरा। इस पर मैंने कैल्शियम एसीटेट को क्या किया है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को इस पर भर लिया है। इसके बाद इस पर मैंने एक लोहे की जाली लगा दी है और नीचे मैंने इसको बर्नर रख दिया है और बर्नर को जलाकर इसको गर्म किया है। जब इतना मैं करूंगा तो इधर मैंने एक वाष्प संघनित्र लगा रखा है, तो जैसे ही मैं कैल्शियम एसीटेट को गर्म करूंगा तो इससे एसीटोन की वाष्प मुक्त होगी। आप देखते हैं ना, जब किसी आग में आप मान लीजिए पानी को रख देते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, अगर उसमें आप प्लेट कोई रख देते हैं तो उसमें पानी की बूंदें जम जाती हैं। सेम उसी प्रकार जैसे मैं इसको गर्म करूंगा और इस कैल्शियम एसीटेट इसमें भरा हुआ है द्रवित पदार्थ, तो इसको जब गर्म करेंगे तो इसका जो धुआं निकलेगा वाष्प बोलते हैं उसको, तो वाष्प जो निकलेगी तो वाष्प ऐसे जाएगी, जब ये वाष्प ऐसे जाएगी इधर से मुड़कर सीधे ऐसे जाएगी, तो ये वाष्प हमारी जाएगी सीधा वाष्प संघनित्र में, और वाष्प संघनित्र का कार्य होता है इधर से जब वाष्प निकलेगी तो गर्म होगी, परंतु वाष्प संघनित्र का काम होता है गर्म जल ले लेगा, मतलब वही हो जाएगा जल, तो गर्म जल ले लेगा और उसको पूरी तरह से ठंडा कर देगा यहाँ पे, और ठंडा करने के बाद तुम्हारा ये जो ग्राही पात्र है इस पर आपका एसीटोन को एकत्रित कर देगा। तो आप लिखना क्या है आपको, एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में क्या लिखेंगे, एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को भरकर लोहे की जाली पर रखकर उसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से एसीटोन की वाष्प मुक्त होती है। इस एसीटोन की वाष्प को वाष्प संघनित्र में भेजा जाता है। वाष्प संघनित्र इस गर्म वाष्प को ठंडा करके ग्राही पात्र में एसीटोन एकत्रित कर देता है। तो ये यही आपकी थोड़ी सी परिभाषा थी, परंतु जब इसे आप लिखेंगे तो एक पेज की हो जाएगी। फिर से समझ लीजिएगा, आपको लिखना है एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को भर लेते हैं, फिर इसे लोहे की जाली में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से एसीटोन की वाष्प मुक्त होती है। इस वाष्प को वाष्प संघनित्र में भेजा जाता है। वाष्प संघनित्र इस वाष्प को गर्म वाष्प को ठंडा करके द्रवित कर देता है और हमारे इस ग्राही पात्र में एसीटोन क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो यही थी हमारे बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम एसीटोन इसी प्रकार बनाते हैं। क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट इस पर भर देते हैं और नीचे जो बर्नर लगा होता है, आपने बर्नर
देखा होगा, एक शायद पुराने जमाने में एक डिब्बी टाइप चला करती थी जिस पर हम लोग जलाते थे, उसी प्रकार का आपके लैब में जब जाएंगे आप तो आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, तो वहां पर एक बर्नर मिलेगा आपको, उसी तरह से जब आप उसे जला देंगे तो यहाँ से मान लीजिए लोहे की कोई जाली है, तो यहाँ से जब इसे गर्म करेंगे तो जब पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये धुआं छोड़ेगा, वही धुआं वाष्प कहलाता है, तो यहाँ से ये धुआं जाएगा, वाष्प जाएगी, मुक्त होगी और इसे हम सीधे यहीं ले जाएंगे, तो ये वाष्प संघनित्र का काम होता है, गर्म जो धुआं होता है उसको द्रवित करके ठंडा कर देता है और सीधा कहाँ भेज देगा, हमारा जो ये पात्र लगा इस पात्र में भेज देगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देना है, एक गोल पेंदी वाले रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को, निर्जल कैल्शियम एसीटेट को भरकर बर्नर की सहायता, लोहे की जाली में रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, ऐसा करने से एसीटोन की वाष्प मुक्त होती है जिसे वाष्प संघनित्र में ले जाते हैं, वाष्प संघनित्र इसे ठंडा करके द्रवित कर देता है और ग्राही पात्र में इसे एकत्रित कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह सारा प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।